उमा जी, आज अपने धरने के बारे में बताइए, कौन सा दिन है और आगे क्या प्रक्रिया चल रही है? आज मेरे भाई, मेरे धरने का 191वां दिवस है और प्रक्रिया के रूप में तो अनवरत धरना हमारा चल रहा है, पूरे प्रदेश का भ्रमण जिलेवार, और भाई बहनों को इस मुश्किल के क्षणों में जो थोड़ा बहुत दिलासा दे पाती हूँ वो इसी को गार्डन से आप मीडिया बंधुओं के द्वारा एक संदेश भेज के करती हूँ कि आप लोग अभी भी हिम्मत से, एकजुटता से एकता चट्टानी का परिचय दें। शासन से लड़ने का काम मेरा है, मैं लड़ूंगी, मैदान में बैठी हूँ। आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए इतना जरूर रखें कि जो आए दिन मौतों का खबर मैं सुन रही हूँ वो मुझे सुनने को ना मिले। आप लोग स्वस्थ रहेंगे तो मैं अपने आप स्वस्थ रहूंगी इस इको गार्डन मैदान में। और मेरे भाई बहनों के घर वालों से, जो भी शिक्षा मित्र भाई बहन हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इस विषम परिस्थिति में उनके ससुराली जन, उनके नाते रिश्तेदार, जानने सुनने इष्ट मित्र सभी सहयोग करें, क्योंकि वाकई मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। जो दंश, जो पीड़ा, जो कष्ट मेरे भाई बहन उठा रहे हैं, शायद आपका स्नेह से बोला हुआ दो शब्द बहुत काम आवे। आपका आशीर्वाद रूपी सर पे हाथ फेरना जीवन को अमर वरदान दे दे। आपके द्वारा दिया हुआ दो शब्द शायद बगिया के फूल खिला दे। इस भाव से कह रही हूँ कि मेरे भाई बहन इस समय बहुत परेशान है, मैं खुद इस इको गार्डन से परेशानी महसूस करती हूँ, तो वो घरों में बैठ करके क्यों ना कर रहे होंगे, क्योंकि जिसका सम्मान जाता है उसका सब कुछ चला जाता है और वो मात्र एक ही लक्ष्य देखता है कि मेरा सम्मान कैसे वापस आए। ये दुर्भाग्य मेरे परिवार का, इतना सारा क्रम होने के बाद इस इको गार्डन में आज भी अनवरत धरना चलने के बाद 101 ब्राह्मण भाई जनेऊ उतारे, भूख हड़ताल, आमरण अनशन, फिर सुहागिन बहनों ने केस का परित्याग किया और हाई पावर कमेटी के गठन के पश्चात आज तक निर्णायक मोड़ जो आया वो जीरो। जीरो मींस रिजल्ट आज भी नहीं आया, प्रशासन के कान पे आज भी जू नहीं रेंग रहा है। इसलिए कहूंगी कि मौत रुक नहीं रही है मेरे भाई बहनों की, जैसे जैसे वो आगे आगे टाइम बढ़ता जा रहा है, समय लंबा बीत रहा है, वो हताश निराश हो रहे हैं कि अब गवर्नमेंट कुछ करके नहीं देगी। लेकिन मेरे भाइयों, आप यकीन मानिए, मैं बैठी इको गार्डन में बिना सम्मान लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं इतना आपसे पहले भी वादा की थी, अभी भी वादा कर रही हूँ कि आप धैर्य रखिए। गवर्नमेंट कोई भी सत्ता में बैठी हो, उसका दायित्व, उसकी जिम्मेदारी होता है अपनी जनता को बचाना। मैं आज भी अपील करूंगी मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से, डिप्टी सीएम साहब से, कि आप लोग जिस काम के प्रक्रिया को देख रहे हैं कि मौत का सिलसिला नहीं थम रहा है, पीछे पीछे के आए हुए लोगों को आप कमेटी गठित करके त्वरित निर्णय लेने का प्राविधान पास कर रहे हैं, और यहाँ 5 महीने से बैठा है इंसान दूसरे को आप लोग बेवकूफ समझ रखे हैं। यदि यही मंजूर हो तो, यदि आपने दीपावली तक हमारा सम्मान नहीं लौटाया, तो ये आर पार की लड़ाई आपके सामने खड़ी होगी। मैं इसी को गार्डन से आपको कह रही हूँ, क्योंकि मैं आज तक जितना काम की हूँ लिखित पेपर में की हूँ, और दीपावली के समय से लिखित पेपर लिखना शुरू करूंगी और आपके कार्यालय तक भिजवाऊंगी, और आर पार की लड़ाई पूरे विश्व के साथ करूंगी। वो आप देखिएगा, नजारा आपके सामने होगा। दिव्यांग बच्चे मेरे साथ खड़े हैं, किन्नर परिवार मेरे साथ खड़ा है, किसान परिवार मेरे साथ खड़ा है, जो प्राथमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल, सभी के जो टीचर रिटायर हो चुके हैं वो मेरे साथ खड़े हैं। आशीर्वाद, जिन्होंने राष्ट्रपति पदक जीता है वो विजेता है, फिर भी वो भावुक होकर के उनके आंसू निकले जब मेरे से बात किए, बेटा जिस दिन तुझे आवाज लगे मुझे आवाज देना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ पहले नंबर पे। आयुषी मेरी बेटी जो इंटर की छात्रा है सुदामा इंटर कॉलेज की, कहती है माँ आप मुझे आवाज देना, सबसे पहले मैं बाबा आदित्य योगी नाथ जी से मैं बात करूंगी, उसके बाद आप लोग बात करेंगे। वो दिव्यांग बच्चे जो मेरे लिए खड़े हैं, वो कहते हैं कि पहले मैं खड़ा हो जाऊंगा। आप किस किस का जवाब दे देंगे, किस किस का आपके पास उत्तर है? यदि एक प्रश्न आप अपनी सुधार ले, हमारा सम्मान लौटा दे, सारे आपका सम्मान कर देंगे।
पूरा विश्व मेरे साथ खड़ा। मैं तो चार बार कह चुकी, आपसे बता चुकी, और इस संदेश के द्वारा, मीडिया बंधुओं के द्वारा जो आपके पास जा रहा है, मेरे साथ जुड़ा सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया, भूटान, बर्मा, नेपाल और उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां से मुझे समर्थन ना आया हो। गुज्जर परिवार से समर्थन आया है पूरे भारत वर्ष से। मैं गुज्जर परिवार का आभार व्यक्त करूंगी, जितने भी परिवार मुझे पहले दिए हैं समर्थन उनका आभार व्यक्त करूंगी, जो परिवार मेरे लिए रातों दिन एक करके चल रहा है उस परिवार का समर्थन मैं आभार व्यक्त करूंगी समर्थन स्वीकार करते हुए, क्योंकि ये संदेश वो लोग शासन को दे रहे हैं कि यदि इस बेटी का सम्मान आपने नहीं लौटाया तो पूरे भारतवर्ष के किसान महासंघ के लोग उतरेंगे आपके लखनऊ पे। आप क्या जवाब देंगे सोच लीजिए। मैं इसलिए पहले से बता रही हूं कि आप जवाब पहले से हाजिर रखिए, क्योंकि आपने 20 साल की इस सेवा के बाद अयोग्य जवाब हमारा हाजिर कर दिया था। अगर आप खड़े हो गए होते माननीय न्यायालय में तो शायद हमारा सम्मान बच गया होता और ए 800 लाश से न उठती, 172,000 परिवार आज बेघर न होता, दर दर की ठोकरें न खाता और पेट की रोटी के लिए तड़पता हुआ इको गार्डन में 5 महीने से गुहार न लगाता है आपकी, क्योंकि आपके पास वो पावर था, आपने अपने पावर का प्रयोग नहीं किया। आप अपनी योग्यता में ही योग्य बताते बताते रह गए, लेकिन अपनी गलतियों को आपने नहीं देखा। आज शायद वो दिन आ गया है आप अपनी गलतियों को जरा सा देख लें, आप एहसास कर लें कि एक राजा बैठा हो कुर्सी में, संत और महात्मा, जिस संत और महात्मा के दरवाजे, किसी के दरवाजे पर यदि संत और महात्मा आज की विवाद में बता रही हूं चले जाते हैं ना, उनका आदर भगवान की तरह होता है। और जहां संत और महात्मा कुर्सी पर बैठे और 800 लोगों की लाशें उड़ गई हो, एक शब्द न निकला हो, क्या वो वेदना नहीं महसूस हो रही होगी? क्या वो पीड़ा नहीं हो रही होगी? क्यों चुप है? यदि आपके हाथ में नहीं है, मैं पहले भी कहती थी, एक लाइन में बताइए ना, ना हम लोग उसको घेर के दिखा दें तो कहिए। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से कहूंगी, समय खिंच रहा है, चुनाव का पीरियड बहुत नजदीक है आपका, गरीब का बेटा बनते थे, ये गरीब किसान की बेटी ही आवाज लगा रही है आपको। एहसास करके देखिए, जिस घर आंगन में आप अपनी माँ से कहते थे कि माँ एक दिन दुख दूर करूंगा, वैसे ये बेटियां भी अपनी माँ से कही हैं कि माँ मैं एक दिन अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी तो तुम्हारे दुख दूर कर दूंगी, अपने घर परिवार का दुख दूर कर दूंगी, अपने बच्चों का दुख दूर कर दूंगी। क्या हमें आपने रिजल्ट दिया? जरा अपने पे सोचिए, वही फिर हमारे पे पलट के देखिए, क्या हमको आपने उस योग्य छोड़ा? अपनी बेटियों को आपने सर पे रखा? नहीं, आपने अपने संकल्प पत्र में शामिल करने के बाद भी नीचे जमीन पे जूते के नीचे रख दिया। इसलिए कह रही हूं कि मौतों के बाद भी आप लोग जग नहीं रहे हो, आपके काम करने का सिस्टम एकदम ढीला है। दूसरे का दोषारोपण मत करिए, अपने कामों को सुधारिए।